Welcome on board my channel Edu Marine Academy by Maverick Mariner. Our channel intends to provide free information on topics related to maritime industry, which would help aspirants to crack their MEO competency exams. Stay tuned. अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? Annex 5. Annex 5 क्या है? Annex 5 में Annex 5 consists of regulations for prevention of pollution by garbage from ships. Okay, in that हमने पहले भी चीजें देख ली थी till category B food waste and how to dispose food waste. ठीक है, अभी आगे चलते हैं category C जो कि होती है domestic waste. Now what is domestic waste? Basically it consists of paper cartons from galley, glass, metal, bottles, paper, cardboard, etc. जो भी general वेस्ट होता है ना, जैसे जनरली अकोमोडेशन में जो भी वेस्ट जनरेट हो जाता है, जैसे अपने कैबिन्स में जो भी वेस्ट जनरेट होता है, या फिर आपका प्रोविजन स्टोर में जो भी वेस्ट जनरेट होता है ना, जैसे कि हम बिस्किट के पैकेट्स वगैरह, जो पैकेजिंग आता है उसके कार्डबोर्ड वगैरह, दैट कम्स अंडर डोमेस्टिक वेस्ट. ठीक है, मतलब बिस्किट के पैकेट्स एंड प्लास्टिक छोड़ो, दैट विल कम अंडर कैटेगरी ए. बट जो कार्टन रहता है ना, वो दैट विल बी मेड ऑफ पेपर कार्डबोर्ड, सो दैट ऑल कम्स अंडर योर डोमेस्टिक वेस्ट. जैसे कि हम लोग प्रिंटिंग के लिए पेपर्स वगैरह यूज करते हैं, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर अंडर योर डोमेस्टिक वेस्ट. ठीक है, अभी क्या है, उसका डिस्चार्ज इन सी इज प्रोहिबिटेड. ठीक है, उसका डिस्चार्ज इन सी इज प्रोहिबिटेड फुल डोमेस्टिक वेस्ट का. एवरीथिंग अंडर कैटेगरी सी डिस्चार्ज इन टू सी इज प्रोहिबिटेड. तो जनरली क्या होता है, ये पेपर पेपर और पेपर से रिलेटेड जो भी चीजें रहती है, दैट कैन बी बर्नड इन द इंसिनरेटर. लेकिन ग्लास, मेटल, ये सारी जो चीजें रहती है, वो अलग से उनके डेडिकेटेड कैंस में स्टोर की जाती है, एंड दैट इज लैंडेड अशोर. ठीक है, आगे चलते हैं अभी कैटेगरी डी. कैटेगरी डी क्या है अपनी? कुकिंग ऑयल. ओके, कुकिंग ऑयल क्या है? कुकिंग ऑयल इज द एडिबल ऑयल यूज्ड इन गैली फॉर फूड प्रिपरेशन. करेक्ट, तो जैसे कि हम लोग फिश फ्राई या चिकन फ्राई, फ्राइज वगैरह बनाने के लिए जो ऑयल यूज करते हैं, दैट इज योर कुकिंग ऑयल, एडिबल ऑयल. बेसिकली जो ऑयल हम लोग ह्यूमन कंज्यूम कर सकते हैं ना, हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं दैट ऑयल. सो जनरली जो शैलो फ्राई किया जाता है, वो ऑयल का तो कोई ज्यादा इशू आता नहीं है, बिकॉज दैट इज नेग्लिजिबल अमाउंट, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आता. लेकिन जो डीप फ्रायर रहता है ना, डीप फ्रायर माने बल्क में जो ऑयल यूज किया जाता है चीजें फ्राई करने में, जैसे हम लोग फ्रेंच फ्राइज या बर्गर पैटी वगैरह, ऐसा हो गया ना बड़ा, मतलब डायरेक्टली 4-5 लीटर का ऑयल यूज किया जाता है फ्राई करने के लिए, दैट डीप फ्रायर वाला ऑयल. सो वो जो ऑयल होता है, दैट ऑयल इज नॉट यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम. हाँ, थोड़ा बहुत रीयूज किया जाता है, बट आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम, एक दो बार यूज करने के बाद, चीफ कुक विल कलेक्ट इट इन सम कैंस एंड सेंड इट टू द इंजन रूम फॉर डिस्पोजल. यही होता है ना जनरली हर शिप पे, तो यही होता है. ठीक है, सो दिस कुकिंग ऑयल कैनॉट बी डायरेक्टली डिस्चार्ज इन टू सी. मतलब ये नहीं कि हमने कॉम्बिनेटर वाला या ग्रे वाटर के साथ उसको डायरेक्टली डिस्पोज कर दिया, दैट इज नॉट अलाउड. सो जनरली क्या होता है, इट अगेन डिपेंड्स ऑन योर SMS, ship's SMS, बट जनरली वॉट हैपन्स इज दिस ऑयल विच इज सेंट फ्रॉम द गैली is mixed with our engine room oily rags and that is burned in the incinerator. ठीक है, after burning you have to make some GRB entries. ठीक है, तो garbage record book, GRB माने garbage record book, part 1 में category D and F, ये दोनों के साथ वो जल जाएगा. ठीक है, उसका entries करना पड़ेगा. अभी this GRB वाला जो पार्ट है, दैट आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, ओनली पर्टेनिंग टू GRB एंड इट्स एंट्रीज, एंड आई विल ऑल्सो शो यू सैम्पल फॉर्म्स. ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये याद रखना कि कुकिंग ऑयल कैसे डिस्पोज करते हैं. कुकिंग ऑयल विल बी मिक्सड विथ ऑयली रैक्स एंड दैट विल बी बर्नड इन इंसिनरेटर. ठीक है, आगे चलते हैं. नाउ वील सी कैटेगरी ई. कैटेगरी ई क्या होती है? दैट इज इंसिनरेटर एश. तो जब भी हम लोग इंसिनरेटर के अंदर पेपर, कार्टन, ऑयली रैग्स कुछ भी जलाते हैं,
तो देर विल बी सम अनबर्नड मास लेफ्ट, राइट। पेपर भी पूरा जलता नहीं है, वो पीछे थोड़ी सी एश छोड़ता है, सो दैट इज इट कैन नॉट बी बर्नड, राइट। सो दिस एश जनरली क्या होता है, दिस एश इज कलेक्टेड इन बैग्स एंड इज स्टोर्ड इन क्लियरली मार्क्ड बिन्स, करेक्ट। अब ये तो एकदम सिंपल है यार, मतलब दिस वी आर प्रैक्टिसिंग ऑन शिप। सो जो भी ऐश कलेक्ट किया वो बैग में डाल के, छोटे छोटे बैग्स में डाल के हम लोग डेडिकेटेड क्लियरली मार्क्ड ड्रम में रखते हैं, करेक्ट। सो डिस्चार्ज ऑफ ऐश इनटू सी इज प्रोहिबिटेड, दिस ऐश विल बी लैंडेड अशोर और शोर रिसेप्शन फैसिलिटीज, एंड उसका एक रसीद मिलेगा, वो रसीद हम लोग गार्बेज रिकॉर्ड बुक के साथ अटैच करेंगे एंड रिस्पेक्टिव एंट्रीज करेंगे, ठीक है। याद रखना, इंसिनरेटर ऐश कैनॉट बी डिस्चार्ज इन टू सी, इट हैज टू बी लैंडेड अशोर, ओके। आगे चलते हैं, नाउ कैटेगरी एफ, ऑपरेशनल वेस्ट, ठीक है। इन माई प्रीवियस वीडियो, पार्ट वन वाला जो वीडियो है ना, आई हैव एक्सप्लेन एग्जैक्टली वॉट इज ऑपरेशनल वेस्ट, ठीक है। यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन और आई विल ऑल्सो पुट दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू, ठीक है। तो अभी जस्ट वील सी वॉट इज द वॉट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोडक्ट्स विच विल कम अंडर ऑपरेशनल वेस्ट। तो ऑपरेशनल वेस्ट में क्या आता है, आपका जो इजीबी वॉशिंग करने के बाद जो सूट आता है, ठीक है, सो दैट विल कम अंडर ऑपरेशनल वेस्ट। एग्जॉस्ट गैस स्क्रबर जो रहते हैं ना, ईजीसीएस सिस्टम, वो इंस्पेक्ट एंड क्लीनिंग करने के बाद जो बचा हुआ सूट रहता है वो आता है। मेन इंजन के अंडर पिस्टन स्पेस वाला जो कार्बन आता है ना, वो नीचे सारा स्लज कलेक्ट होता है ना, दैट ऑल्सो कम्स अंडर ऑपरेशनल वेस्ट, ठीक है। तो जनरली लेकिन ये क्या है, मेन इंजन स्कैविन स्पेस वाला कार्बन का छोटा छोटा पोटली बना के इंसिनरेटर में जलाते, एंड देन वो जो ऑयल जो रहता है, ऑयल सोक्ड, वो जल जाता है, सोक किया हुआ ऑयल, और पीछे जो बचा हुआ कार्बन और उसका जो अनबर्नड मास जो रहता है, दैट विल कम अंडर इंसिनरेटर ऐश, ठीक है। अभी जो हम लोग पेंट वगैरह जो सब निकालते हैं, है ना, स्क्रब करके, चिपिंग करके रस्ट निकालते हैं, दैट विल ऑल कम अंडर ऑपरेशनल वेस्ट, एंड डिस्चार्ज ऑफ ऑपरेशनल वेस्ट इनटू सी इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। ये याद रखना, डिस्चार्ज ऑफ ऑपरेशनल वेस्ट इनटू सी इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। तो दैट विल बी लैंडेड अशोर एंड सेम यू विल टेक अ रिसीट एंड मेक रिस्पेक्टिव एंट्रीज इन द जीआरबी, दैट इज गार्बेज रिकॉर्ड बुक पार्ट वन। नाउ लेट्स कम टू कैटेगरी जी, दैट इज एनिमल कैरकेस, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान देना, दिस आई विल एक्सप्लेन यू द डिस्पोजल क्राइटेरिया इसका, ठीक है। तो बेसिकली जो मरे हुए जानवर रहते हैं, दैट विल कम अंडर कैटेगरी जी ओनली व्हेन दे आर कैरीड एज कार्गो, ठीक है, ओनली व्हेन दे आर कैरीड एज कार्गो। इसका मतलब क्या है, अभी जैसे लाइव स्टॉक शिप्स रहते हैं, जो कैटल, शेप, शीप, गोट्स, ये सब कैरी करते हैं ना फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, तो दोज दैट इज द कार्गो। वो जो जानवर हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, दैट इज कार्गो। अब वो जानवरों से में से कोई जानवर मर जाता है बिकॉज ऑफ सिकनेस और एनी अदर रीजन, सो दैट डेड एनिमल विल कम अंडर कैटेगरी जी, दैट इज एनिमल कैरकेस। लेकिन ये चीज याद रखना, हम लोग जो प्रोविजन के लिए, मतलब ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो चिकन, फिश, मीट, ये सब कैरी करते हैं, विच इज स्टोर्ड इन आवर रेफ्रिजरेशन रूम्स, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एनिमल कैरकेस, दैट विल कम अंडर फूड वेस्ट कैटेगरी बी। ये क्लियर है ना, ये ध्यान से, मतलब यू हैव टू डिफ्रेंशिएट, हाँ, डेड एनिमल विल कम अंडर कैटेगरी जी ओनली वेन दे आर कैरीड एज कार्गो, बट हम लोग जो खाने के लिए यूज करते हैं और जो प्रोविजन लेते हैं, विच इज स्टोर्ड इन आवर रेफ्रिजरेशन रूम्स, दैट विल कम अंडर फूड वेस्ट कैटेगरी बी। हेंस उसका, इन चीजों का डिस्पोजल क्राइटेरिया विल ऑल्सो बी एज पर कैटेगरी बी,
ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्पोजल क्राइटेरिया ऑफ कैटेगरी जी, ठीक है, एनिमल कैरकेस का डिस्पोजल क्राइटेरिया क्या होता है? अभी क्या होता है, फर्स्ट इज शिप इज एन रूट। आप लोग को एन रूट का मीनिंग पता होगा। एन रूट इज व्हेन द शिप इज मूविंग फ्रॉम पोर्ट ए टू पोर्ट बी, ठीक है, पोर्ट ए टू पोर्ट बी। ये नहीं कि आप एंकरेज पे हो, एंकर उठाया, आधे घंटे के लिए बाहर गए, थोड़ा सा शिप घुमा के वापस आ गए, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन रूट। शिप इज एन रूट मतलब शिप इंटेंड्स टू अंडरगो अ वॉयज फ्रॉम पोर्ट ए टू पोर्ट बी, ठीक है। सेकेंड, शिप मस्ट बी आउटसाइड स्पेशल एरिया, करेक्ट। गार्बेज का भी एक डिफाइंड स्पेशल एरियाज है एज पर मार्पोल एनेक्स 5, ठीक है ना। तो इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा स्पेशल एरियाज का, एंड आई विल ऑल्सो गिव यू अ वेरी नाइस वे ऑफ रिमेम्बरिंग दीज स्पेशल एरियाज, ठीक है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो, ठीक है। सो बेसिकली एनिमल कैरकस डिस्पोज करने के लिए अभी हमने दो चीज देखे, शिप मस्ट बी एन रूट, शिप मस्ट बी आउटसाइड स्पेशल एरिया। नाउ द थर्ड पॉइंट, शिप मस्ट बी एटलीस्ट 100 नॉटिकल माइल्स अवे फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड और एज फार एज पॉसिबल। इसका मतलब क्या है, आपका शिप अगर पॉइंट ए टू पॉइंट बी में जा रहा है, और इफ व्हेन यू यू कैन ओनली डिस्पोज एनिमल कैरकेस व्हेन द शिप विल बी एटलीस्ट 100 नॉटिकल माइल्स अवे फ्रॉम नियरेस्ट लैंड, ठीक है, ये तो फर्स्ट है। लेकिन आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के टाइम पे इफ योर, जैसे हमने पैसेज प्लानिंग किया, तो रूट में से एक सेक्शन आ गया, आपका प्लान में से एक सेक्शन आ गया जहां पे शिप इज अराउंड 500 माइल्स अवे फ्रॉम लैंड, समझ में आया। तो वो टाइम में हम लोग एनिमल कैरकस डिस्पोज करेंगे, ठीक है, ना कि 100, बल्कि वील ट्राई टू डू इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द लैंड, ओके, ये ध्यान देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ओके। अब सेकेंड, एनिमल कैरकेस हैज टू बी ट्रीटेड बिफोर डिस्चार्ज, ठीक है। अब ये ट्रीटमेंट क्या होती है और क्यों होती है, ठीक है, इसमें दो टाइप होते हैं ट्रीटमेंट के। वन इज द कैरकेस इज स्प्लिट इंटू टू, मतलब वो जानवर की बॉडी दो हिस्सों में काटी जाती है इन सच अ वे दैट योर एब्डोमिनल कैविटी जो रहता है, मतलब पेट का जो एरिया रहता है, जैसे इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, उसको कट करके दो हिस्सों में कटना चाहिए, इस तरीके से काटने का, समझ में आया। इसका मतलब ये नहीं कि मरे हुए जानवर का खाली मुंडी काट दो और बाकी पूरा बॉडी ऐसे ही छोड़ दो, नहीं, वो जानवर को पेट में से काटो। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जब जानवर मर जाता है एंड डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, तो पेट के अंदर गैसेस भर जाते हैं, वो गैसेस को एस्केप होने का जगह नहीं रहता, तो इट विल गिव अ बॉयंसी टू द कैरकेस एंड इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द टॉप, विच इज नॉट अलाउड। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ट्रीटमेंट बिफोर डिस्चार्ज टू अलाउ सिंकिंग और डिस्पर्सिंग, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये हो गया सिंकिंग के लिए, ठीक है। नहीं तो शिप कैरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइफ स्टॉक विल बी इक्विप्ड विद अ कॉम्बिनेटर और ग्राइंडर, ठीक है। मतलब क्या था, कॉम्बिनेशन और ग्राइंडिंग क्या होता है, पीसना, राइट, पीस के उसको पेस्ट बनाना, दैट इज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो उसको पीस के हमने अगर पेस्ट बनाया तो क्या होगा, तो जैसे ही हम लोग डिस्चार्ज करेंगे वो पानी में डिस्पर्स हो जाएगा। तो ये हो गया मेथड फॉर डिस्पर्सिंग, ठीक है। तो ये चार चीजें पॉइंट याद रखना, शिप मस्ट बी एन रूट, शिप मस्ट बी आउटसाइड स्पेशल एरिया, शिप मस्ट बी एटलीस्ट 100 नॉटिकल माइल्स अवे फ्रॉम नियरेस्ट लैंड और एज फार एज पॉसिबल, एंड एनिमल कार्केस मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर डिस्चार्जिंग टू अलाउ सिंकिंग और डिस्पर्सिंग। अब इसके दो मेथड क्या है, स्प्लिट इनटू टू टू अलाउ सिंकिंग और पास थ्रू कम्यूनेटर और ग्राइंडर टू अलाउ डिस्पर्सिंग, ठीक है। अब देखते हैं इसकी आगे की एक और प्रॉब्लम। अब समटाइम्स व्हाट हैपेंस, योर पोर्ट ए एंड पोर्ट बी आर वेरी नियर बाय,
एकदम पास पास में। एंड उसकी वजह से क्या होता है, शिप्स वॉयज इज नॉट ऑफन ग्रेटर देन 100 नॉटिकल माइल्स। मतलब आपका शिप 100 नॉटिकल माइल नियरेस्ट लैंड के बाहर जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, जनरली द शिप्स विल हैव डेडिकेटेड रीफर रूम्स, ठीक है, जहां पे ट्रीटेड कैरकेस, जो पहले मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट बताया था ना, वो ट्रीट करने के बाद वो कैरकेस जो है वो एक पॉलीथीन या थैली या डिस्पोजल बैग में डाल के वो ये रिफर रूम्स में, डेडिकेटेड अलग से रिफर रूम्स रहते हैं, वहां पे वो स्टोर किए जाएंगे, ठीक है। ये हो गई एक बात। अब क्या होता है, बट फॉर एग्जाम्पल आपका रिफर रूम का जगह है 50 कैरकेस रखने के, लेकिन कुछ जानवर को कुछ डिजीज हो गया या स्टैम्पीड हो गया वहां पे, या आपका फूड में कुछ प्रॉब्लम हो गया, फूड शॉर्टेज हो गया, वेंटिलेशन इश्यूज आ गए, तो उसमें अगर 60 जानवर मर गए तो बाकी 10 बचे हुए का क्या। नाउ व्हाट हैपेंस इज ऑन शिप द टेम्परेचर इज वेरी, मतलब यू हैव हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, हेंस द कैरेकेस इज मोर ससेप्टेबल टूवर्ड्स बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन एंड इट कैन कॉज अ हेल्थ हैजार्ड टू द क्रू एज वेल एज अदर एनिमल्स विच आर कैरीड एज कार्गो, करेक्ट। तो वो केस में क्या होगा, मास्टर इन हिज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस फील्स स्टोरिंग ऑफ कैरेकेस कैन कॉज थ्रेट टू क्रू एंड अदर एनिमल, वो टाइम पे क्या करेंगे, द कैरेकेस विल बी ट्रीटेड सेम स्प्लिट इनटू टू और पास थ्रू कम्युनेटर, बट दिस टाइम डिस्चार्ज इनटू सी विल बी परमिटेड एट अ डिस्टेंस नॉट लेस देन 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम नियरेस्ट लैंड विथ एंट्री इन GRV Part 1, ठीक है। अब एनिमल कैरेकेस के पर्टेनिंग ये जो मैं बताया ना, दिस एंटायर पॉइंट, दिस इज वेरी 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 रेयर, बट जस्ट फॉर दिस यू नो प्रोविजन, एज अ प्रोविजन दीज थिंग्स आर रिटन ओके इन मारपोल, बट जनरली ये फॉलो नहीं होता है, जनरली दिस क्राइटेरिया इज ओनली फॉलोड, लेकिन देयर कैन बी अनफॉर्चुनेट सिनारियोज वेयर समथिंग लाइक दिस कैन हैपन, ठीक है। अभी देखते हैं गार्बेज एंट्रीज क्या रहेंगी, ठीक है, गार्बेज एंट्रीज क्या रहेंगी, गार्बेज GRV वाली एंट्रीज, वहां पे डेट और टाइम कब डिस्पोज किया वो नोट डाउन किया जाएगा, शिप का पोजीशन नोट डाउन किया जाएगा, लोकेशन ऑफ डिस्चार्ज सी पे या शोर फैसिलिटी पे, ये फिर उसके बाद वहां पे आगे कैटेगरी में लिखना पड़ेगा H, ठीक है, कितने नंबर ऑफ कैरेकेस डिस्चार्ज किए सी में ये लिखना पड़ेगा, उसके रिमार्क्स के सेक्शन में ये लिखना पड़ेगा, स्पीशीज कौन से, जैसे गोट किया है, शीप किया है, कैटल किया है, ये अगर शोर पे डिस्चार्ज किया तो पोर्ट का नाम एंड रिसीट, स्टैंडर्ड जो GRB एंट्रीज होती है वो सारी एंट्रीज करनी पड़ेंगी, करेक्ट। अभी आगे देखते हैं कैटेगरी H, कैटेगरी H क्या है, फिशिंग गियर, ठीक है, बेसिकली फिशिंग नेट, फिशिंग रोप्स, फिशिंग रॉड्स, उसके बाद फिशिंग वाले लाइन्स रहते हैं, दैट डिस्पोजल ऑफ दोज इज नॉट अलाउड बिकॉज दीज थिंग्स आर अ मेजर थ्रेट टू मरीन एनवायरमेंट नावडेज, ठीक है, दैट इज वाई दीज थिंग्स डिस्पोजल ऑफ दीज थिंग्स इन टू सी इज नॉट अलाउड, ठीक है। आगे देखते हैं अभी ये कैटेगरी I जो है, दिस इज ई वेस्ट ओके, दिस इज न्यू, इट एंटर्ड इन टू फोर्स ऑन 1 मार्च 2018, ठीक है, 2018 1 मार्च में ये एंटर इन टू फोर्स, इट वॉज एडॉप्टेड इन MEPC 70 in 2016 एंड एंटर्ड इन टू फोर्स ऑन 1 मार्च 2018। अब ये ई वेस्ट के अंदर क्या क्या आता है, ट्यूबलाइट्स, बल्ब, प्रिंटर कार्ट्रिजेस, वायर्स, PCBs, बैटरीज एक्सेट्रा, एंड अगेन डिस्चार्ज ऑफ दैट इन टू सी इज प्रोहिबिटेड, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज, एंड आगे भी कई कई टॉपिक्स है, वी विल कवर दोज एज वेल, ओके, थैंक यू, आई होप द टॉपिक वॉज इंटरेस्टिंग, हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
Ring the bell for updates. Thank you.